नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमारी जो और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम जिन परंपरागत वस्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका बांधनी। जैसा कि हम जानते हैं बांधनी टाई एंड डाई को कहा जाता है और बांधनी के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ, चदरें, ओढ़नियाँ आदि, चुनरियाँ आदि बनाते हैं। बांधनी का कार्य मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़ और सिंध में होता है। राजस्थान में बांधनी की साड़ियाँ और चुनरी बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि विश्व के दूर दूर देशों में फैली हुई है। आजकल बांधनी कला के वस्त्रों को सुसज्जा भारत व अन्य स्थानों पर भी होने लगा है। बांधनी साड़ियाँ शादी विवाह के अवसरों पर विशेष रूप से पहनी जाती है क्योंकि ये उत्साह और उल्लास का प्रतीक होती है। इन साड़ियों को विवाहित के लिए मंगलमय और सौभाग्य सूचक और शुभ माना गया है। रंग बिरंगे चटकीले और तेज रंग के से सजी बांधनी साड़ियाँ तरुणाई और उल्लास की प्रतीक होती है। बांधनी में पटोला की तरह ही रंग बिरंगे चटकीले रंगों से युक्त नमूने बनाए जाते हैं, परंतु इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि बांधनी में सूत को न रंगकर जो तैयार वस्त्र होता है उसे रंगा जाता है, जबकि पटोला में वस्त्र बुनने से पहले जिन भागों से वस्त्र बनता है या जो हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं उन्हें एक्चुअली नमूने के अनुसार विभिन्न रंगों में रंग लिया जाता है। दोनों ही वस्त्रों में मुख्य रूप से जिस रंगाई विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम टाई एंड डाई के नाम से जानते हैं। बंदेज में यूजुअली जो डिज़ाइंस बनती हैं उसमें मुख्य रूप से बूंदियाँ होती हैं जिन्हें बूंद या बांध के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ये यूजुअली शेखावटी क्षेत्र है उसके अंदर ये बहुत पॉपुलर है। गहचोला की बांधनी में सुनहरे और चौकोर नमूने बनाए जाते हैं। फिर भी चौकोर नमूनों को बांधनी के नमूनों से अलंकृत किया जाता है। बांधनी वस्त्रों में मोठड़ा इस स्मॉल डॉट लाइक डिज़ाइंस होती हैं, पर वे रेक्टेंगल शेप्स की छोटी छोटी बारीक बिंदियां होती हैं। मोठड़ा जिसे हम कहते हैं पचरंगी, पांच कलर्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। लहरिया इसके अंदर लहर वेव्स के रूप में एक्चुअली बांधनी बनाई जाती है। और ओढ़नी में साफा और जोधपुर में एक विशेष रूप से बांधनी के लिए जो डिज़ाइन फेमस है उसे हम फागनिया कहते हैं, जो वाइट एंड रेड कलर के बंदेज में बनता है। इसी तरह से एक और चीज जो होली पर जो शिशु वाली औरतें होती हैं उनकी जो माताएं होती हैं एक्चुअली जो छोटे बच्चों की, उन्हें पीलिया कलर का धारण कराया जाता है उसे हम पीलिया बोलते हैं। बंदेज का कार्य यूज मलमल, शिफॉन, सूती और रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। बंदेज प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होती है। ये चार चरण है। पहला है लिखाई इस प्रक्रिया में सबसे पहले वस्त्रों के दो, चार अथवा छह भागों में मोड़कर नमूना बना लिया जाता है। अत्यधिक मोटे कपड़ों को दो भागों में मोड़ा जाता है अथवा इन्हें इकट्ठे ही रहने देते हैं। नमूनों को कच्ची पेंसिल अथवा रंग से चिन्हित किया जाता है। नमूनों को कच्ची पेंसिल से चिन्हित करना ही लिखाई कहा जाता है। अर्थात पहली प्रक्रिया होती है कि डिज़ाइन को उकेरना, और डिज़ाइन को उकेरने के लिए कच्ची पेन कलर की पेंसिल्स को यूज़ किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लिखाई कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है बंधाई।
लिखाई प्रक्रिया के बाद बंधाई का कार्य किया जाता है। इसमें नमूने को बाएं हाथ की चुटकी में पकड़कर दाएं हाथ से नमूने को कसकर धागे से बांधा जाता है ताकि रंगाई करते समय रंग प्रवेश नहीं कर सके। नमूनों को धागों से कसकर बांधना ही बंधाई कहलाता है। तीसरा प्रक्रिया आती है इसमें टिपाई। टिपाई प्रक्रिया में बूंदों पर रुई की रंग में डुबो कर रंग लगाया जाता है तथा बूंदे बनाई जाती है। और लास्ट कलर आती है आपकी प्रोसेस, वह है रंगाई। लिखाई, बंधाई और टिपाई के पश्चात हम इसमें रंगाई का कार्य करते हैं। वस्त्र की सबसे पहले हल्के रंगों के अंदर रंगा जाता है, तत्पश्चात नमूने के अनुसार पुनः बांधकर गहरे रंगों में डुबोया जाता है। सबसे अंत में इसमें हम गहरे रंगों को उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बांधनी या बंधेज, एक्चुअली बांधनी बंधेज के द्वारा जो टाई एंड डाई प्रोसेस है उसके माध्यम से तैयार वस्त्र होते हैं। और ये बांधनी साड़ी, चुन्नी, ओढ़नी, चादरें आदि बनाई जाती है इस बांधनी की प्रक्रिया से। चार प्रक्रियाएं इसमें मुख्य रूप से, अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि पहली लिखाई, दूसरी बंधाई, तीसरी टिपाई और चौथी रंगाई। तो इस प्रकार हम बांधनी का से हमारे परंपरागत वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट परंपरागत वस्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम ब्रोकेड कहते हैं। ब्रोकेड अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। प्रारंभ में ब्रोकेड कम ख्वाब को ही कहा जाता था। ब्रोकेड वस्त्रों की संपूर्ण सतह पृष्ठभूमि रेशमी धागों से निर्मित होती है तथा सोने चांदी के महीन तारों से सुंदर व आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। वस्त्रों को सोने चांदी के तारों से इस प्रकार सजाया जाता है कि उसकी भीतरी सतह लगभग पूर्णतः छिप जाती है और ऊपरी सतह पर सुनहरी रुपहले नमूने दिखाई देते हैं। ब्रोकेड वस्त्र काफ़ी बहुमूल्य होते हैं और इन वस्त्रों का उपयोग केवल राजा महाराजा, रानी माँ या सामंतों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और बनारस की ब्रोकेड्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं, परंतु आजकल इन वस्त्रों का निर्माण हमारे देश के विभिन्न भागों में होने लगा है। ब्रोकेड वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, वैभवपूर्ण और अलौकिकता से पूर्ण होते हैं। बनारसी साड़ियाँ आज भी इस ब्रोकेड के कारण बहुत प्रसिद्ध है और शादी विवाह के अंदर हम इन साड़ियों का उपयोग करते हैं। नवविवाहिता के लिए ये साड़ियों को मंगलमय और शुभ माना जाता है। स्त्रियाँ इन्हें बहुत सहेज संभाल कर रखती हैं और विशेष तीज त्योहारों पर या उत्सवों पर इन्हें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पहनती हैं। साड़ियाँ एक्चुअली ब्रोकेड की हमारे सुहाग के प्रतीक के रूप में भी पहचानी जाती है। ब्रोकेड्स हमारे कई प्रकार के होते हैं और उसमें जो मुख्य रूप से फेमस हैं वे हैं आपके कम ख्वाब। पहला ब्रोकेड कम ख्वाब या किम ख्वाब इसे कहा जाता है। सपनों के समान सौंदर्य, सपनों से कम नहीं, इसी नाम से इस वस्त्र की सुंदरता, आकर्षकता, अलौकिकता, वैभवशालीता का हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। सभी वस्त्रों पर सोने और चांदी के महीन तारों से इस सतह पर उभरे उभरे नमूने बनाए जाते हैं। जमीला ब्रजभूषण ने अपनी किताब में लिखा है, द वर्ड कम ख्वाब मीन्स लिटिल स्लीप एंड हैव originated from the fact that scratching of gold and silver threads against the skin is irritating, preventing sleep, or because no owner of such costly fabrics could sleep in peace. अर्थात कि actually इन वस्त्रों को बहुत कम नींद का title दिया गया है क्योंकि ये वस्त्र पहनने पर इतने असहज हो जाते हैं कि व्यक्ति को अच्छी तरह से नींद नहीं आती है या फिर जो उस व्यक्ति के पास ये वस्त्र होते हैं
तो वह व्यक्ति की उस व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। कमोख्वाब वस्त्रों में अधिकांशतः भाग सोने और चांदी के बना हुआ होता है, जिससे वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि होती है। ब्रोकेड वस्त्रों में पुरुषों के लिए टोपी, अंगरखा, चोंगे, अचकन, बंडी आदि बनाए जाते हैं। पुरुषों के साथ साथ इनका उपयोग महिलाओं के परिधानों के लिए भी होता है, जैसे लहंगा बनाने के लिए ब्लाउज, ओढ़नी आदि। कम ख्वाब वस्त्र काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उपयोग केवल राजा महाराजाओं के द्वारा सामंती धनाढ्य वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। सोने और चांदी के तारों के बने होने के कारण वस्त्र काफ़ी हैवी होते हैं, अतः ये विशेष अवसरों पर ही पहने जाते हैं। सेकंड आती है इसमें आपकी राबे रवा। कम ख्वाब की तरह ही ब्रोकेड के वस्त्र आबे रवा नाम दिया गया है। शाब्दिक अर्थ होता है जिसका बहता पानी, अर्थात ये वस्त्र दिखने में अत्यंत सुंदर होते हैं। इन वस्त्रों पर बहते पानी जैसा प्रभाव दिखाई दिया जाता है। इसमें रबे अवा वस्त्र भी रेशमी धागों से बने होते हैं, जिसमें सोने और चांदी के तारों का सुंदर और आकर्षक नमूने होते हैं। तीसरा होता है हिमरस या अमरस। जैसा कि औरंगाबाद हैदराबाद की जो निर्मित ब्रोकेड होती है उसे हिमरस या आमरस कहा जाता है। हिमरस संस्कृत का रूपांतरित शब्द हिमरु से लिया गया है। हिम रस दो शब्दों को मिलने से बनता है हिम प्लस रथ। हिम का अर्थ होता है बर्फ, अतः उपभोग के अनुसार इस वस्त्र को हिमरस कहा गया है। वस्त्र सर्दियों के मौसम में पहनने के लिए अनुकूल होते हैं। सूती वस्त्रों पर रेशम से बने ये वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र की सतह पर लंबे रेशमी धागों का से नमूने उकेरे जाते हैं। वस्त्र की उल्टी सतह पर रेशमी धागों के लंबे लंबे फ्लोट्स लिए जाते हैं, जिससे वस्त्र मोटा, मुलायम और रोएदार हो जाता है। हिमरस वस्त्र काफ़ी गर्म होता है और इस वस्त्र में अस्तर भी हिमरस वस्त्रों को में लगाए जाते हैं, जिससे वस्त्र सर्दियों के लिए अनुकूल माने गए हैं। हिमरस को केवल सिल्क के धागों से तैयार किया जाता है तो उसे अमरस कहा जाता है। हिमरस का वस्त्र जब केवल कॉटन या अन्य धागों के साथ तैयार किया जाता है, कॉटन प्लस रेशमी धागे होते हैं, तो इसे हिमरस कहा जाता है। परंतु केवल सिल्क के धागों का यदि उपयोग होता है तो इसे अमरस कहा जाता है। अमरस वस्त्रों का निर्माण के लिए बनारस, सूरत, अहमदाबाद काफ़ी लोकप्रिय है और यूजुअली अचकन, लहंगे, चोंगे, टोपी, ब्लाउज और राज दरबारों के अंदर कुशंस, पर्दे, गद्दियाँ, सिंहासन के आदि इस अमरस से सजाए जाते हैं। काफ़ी मूल्य होते हैं और राजा महाराजाओं और धनाढ्य वर्ग के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। आजकल हिमरस और आमरस वस्त्रों का निर्माण औरंगाबाद के अंदर होता है, परंतु वस्त्र को पहले इस तरह सौंदर्य, आकर्षकता, वैभवशीलता और अलौकिकता देखने को नहीं मिलती है। चौथी इसके अंतर्गत आती है हमारी पाठथन अर्थात बफ्ता भी कहा जाता है और ब्रोकेड का एक वस्त्र है। संगीन सिल्क के धागों का प्रयोग इसमें किया जाता है। बीच में सोने चांदी के महीन तारों से सुनहले और रुपेले नमूने बनाए जाते हैं। वस्त्र कम ख्वाब के मिलते जुलते होते हैं, परंतु इसके नमूने जो होते हैं उसमें कम सोने चांदी का उपयोग किया जाता है। अतः ये वस्त्र कम ख्वाब वस्त्रों की तरह से हल्के और कम मूल्य के होते हैं। इससे बनने वाले जो वस्त्र हैं ब्लाउज, लहंगे, अचकन, चोगा, अंगरखा, टोपी आदि, और यूजुअली इसमें जो चौड़ाई रखी जाती है वस्त्र की सामान्यतः 20 से 30 इंच के करीब होती है। पाठन वस्त्रों का निर्माण अभी भी होता है, परंतु इससे पहले सौंदर्य, उत्कृष्टता और वैभवशीलता की वह झलक नहीं मिलती जो हमें प्राचीन वस्त्रों में पाई जाती है। तो हमने आज देखा कि विभिन्न प्रकार के ब्रोकेड्स के बारे में अध्ययन किया। तो ये ब्रोकेड्स हमारी आती हैं कम ख्वाब, आबे रवा, हिमरस या आमरस और पाठन। तो
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रोकेड्स हमारी चार प्रकार की होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।